श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसका देशवासियों और सनातन प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं हल्द्वानी में भी रामलीला मैदान को सजाने और संवारने का काम जोर शोर से चल रहा है। यहां बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है जिसमें प्रभु राम के भजन चल रहे हैं, तो वहीं बच्चे और महिलाएं भी इसे संवारने में आगे आए हैं और कुमाऊनी एम्पल कला के माध्यम से इसे सजा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बच्चे और महिलाएं पेंटिंग ब्रश हाथ में लेकर पूरी तन्मयता के साथ में प्रभु श्रीराम का नारा लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता हूँ और मैं भी मेरा भी मन था कि मैं पेंटिंग करूँ। किसके लिए क्यों कर रहे हो? अब मैं राम भगवान के लिए कर रहा हूँ। मंदिर बन रहा, कितनी खुशी है? मंदिर बहुत खुशी है मुझे, अब मंदिर बन के खड़ा भी हो गया है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे पेंटिंग कर रहा हूँ। ये हमारी तरफ से बहुत सारा उत्साह है रामलला के प्रति, और हमारी जो महिला है वो भी इस कार्यक्रम को बहुत जोर शोर से कर रही है। हमारे साथ कुछ महिला है जो इतने प्यारे प्यारे एफर्ट दे रही है और अपने संस्कृति का बढ़ावा भी दे रही है। देखिए, हम 3 दिन से लगे हुए हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं, सब सीढ़ियों को हमारी महिलाओं ने, मातृशक्तियों ने, हमारी बच्चियों ने सब वो सजा दिया है। यहाँ पे दीप प्रज्वलित होने वाले हैं उस दिन, तो ये सब हमने अपनी जो अपनी संस्कृति होती है उसके लिए अर्पण दिए हैं और उसको सजाया है। यहाँ पर दीप प्रज्वलित होने वाला है। हम लोग यहाँ पे 22 तारीख के उपलक्ष में, जो अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके उपलक्ष में हम लोग ने भी छोटा सा सहयोग दिया है। ये ऐपन के माध्यम से जो है उत्तराखंड का प्रचलित है। यहाँ पर दिवाली और शादी ब्याह में और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इसको बनाया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि राम जी के स्वागत के लिए जो है, राम जी आने वाले हैं तो इसके स्वागत के लिए जो है हमने ऐपन की तैयारी की है, और ये यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और उत्सव मनाया जाएगा।